सो हे गाइस, वेलकम बैक। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई ये वीडियो कोई व्लॉग तो है नहीं, हालांकि आप लोगों को देखने से ही पता चल जा रहा है। इस वीडियो में मैं आज फोर्थ ईयर के जो MJPRU के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ, और इस वीडियो में 7th और 8th सेमेस्टर जितने मेरे पास पेपर है, ठीक है, हालांकि कुछ सब्जेक्ट के नहीं होंगे तो उसके लिए माफ़ कर देना, जितने मेरे पास है आज मैं 7th और 8th सेमेस्टर दोनों को कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद ताकि मुझे कोई और वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े क्वेश्चन पेपर की। हालांकि मैं क्वेश्चन पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर है उसके लिए मैं प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना चुका, आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलो जल्दी से देख लो भाई लोग, ये कौन सा है भाई, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिड के है। ठीक है, देख लो। अब मुझे ये नहीं मालूम मिड 1 का है मिड 2 का है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप क्वालिटी सही आ रही होगी, ठीक है, मुझे नहीं मालूम ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन सा है, मतलब क्वालिटी सही दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ जहाँ पे मुझे जूम करना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लिया, ओके, चलो ये हो गया पॉज। अब आ गया है, किसका आया ये, हाँ प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, स्विच गियर प्रोटेक्शन, चलो जो भी हो। ठीक है, तो ये देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, तो ये भी हो गया पॉज, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, ठीक है, ध्यान देना इस पे, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना अच्छा खासा, और बाकी सब कुछ सही है यार, मतलब 8वें सेमेस्टर में मार्क्स भी सही मिलते हैं, 8वें सेमेस्टर में समझो, 7th नहीं का याद रखना। ठीक है, जूम तो नहीं करना पड़ेगा, सही है। चलो सही है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट NCS। अच्छा है, अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी तो आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स आराम से आप इसमें गेन कर सकते हो। हालांकि मैं शायद आप लोगों को मिड में उतने अच्छे मार्क्स ना मिले हो, लेकिन क्या बोलते हैं, मेन एग्ज़ाम में सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देख लो। और हाँ, NCS का है ना, हाँ संजय सर आप लोगों को पढ़ाते होंगे, भाई सुनो, प्रीवियस ईयर जो मैं दे रहा हूँ उसको लगा के ही जाना। कितना कितना परसेंट चांस बोलूँ, 75 से लेके 80% चांस है कि यही पेपर आएगा, मतलब आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। देखो, आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिला होगा, मैंने चूज़ किया था ह्यूमैनिटीज़, ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा कि मैं अभी आप लोगों का अगर मिड होने वाला है तो अच्छी बात है, मिड में भाई देखो थ्योरी मैम देंगी लेकिन वो अटेम्प्ट मत करना, मेरी मेरी राय है मत अटेम्प्ट करना, केवल न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। ठीक है, थ्योरी में मैम मार्क्स ज़्यादा काटेंगे, इससे अच्छा आप लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। और हाँ, स्टेप मार्किंग नहीं होगी उसमें, मैम मार्क्स नहीं देते स्टेप मार्किंग के। ठीक है, तो देख लो, हालांकि स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ये भी देख लो। और हाँ सच कहूँ तो आप इसमें, अगर भाई आप लोगों को न्यूमेरिकल, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल याद करने की ज़रूरत है, अगर वो याद है तो भाई आप लोग आराम से अपने मार्क्स अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, 65+। ओके, न्यूमेरिकल याद करने में थोड़ा टाइम लगता है,
लेकिन इसी टाइप के भाई देखो इसमें ऐसा होता है ना, ज़्यादातर जितने भी मैं PYQ सब PYQ ही आता है। अच्छा ख़त्म हो गया, तो जो भी बाहर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, ठीक है गेट खुला है, रुको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 8th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसी में मैंने 7th और 8th दोनों कवर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर मेरी ज़रूरत ना हो, मतलब फिर कहीं किसी और वीडियो में खोजना ना पड़े। तो ये 8th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, हाँ आई नो ब्लर है लेकिन समझ में तो आ जाएगा, क्वालिटी फुल कर लो ना, सिंपल सी बात है यार, तुम लोग तो और भी ठीक है। हाँ ये ले लो और नेक्स्ट, ये वैसे है कौन से पेपर का, हाँ EHV ACDC, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन एक मिनट, मैं तो भूल गया यार, तुम लोगों के 8th सेमेस्टर में शायद सुनने में आ रहा है कि यार तुम लोगों का पेपर नहीं होगा, केवल प्रोजेक्ट हो गए, तो क्या मेरे ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा होगा? बना देता हूँ भले कभी काम आए आप लोगों को। तो ये हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड कंट्रोल का है वो देख लो तुम लोग, ओके ये भी देख लो, और सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और ये इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में भाई असाइनमेंट सर देंगे ना, बस उसी से उम्मीद रखो अच्छे खासे। लेकिन यार पता नहीं तुम लोगों का पेपर होगा कि नहीं, हालांकि अगर पेपर होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। फॉरेन ट्रेड, अरे भाई इस पे तुम क्या कहूँ मैं, इन नहीं बोल नहीं सकता, बस समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फॉरेन ट्रेड, ठीक है देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ये क्या मशीन डिज़ाइन आ गया क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन शायद यही था, ठीक है तो ये भी है उसी का पार्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का, ओके ख़त्म है ना, ख़त्म। चलो भाई लोग, नहीं एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, EHV के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब मिड के, ठीक है 8th सेमेस्टर में मेरे पास मिड का क्वेश्चन पेपर नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ। ये जो है वो मैं तुम लोगों को भेज दे, तो मतलब जूम कर दूँ क्या, कितना जूम करूँ मैं, देख लो क्लियर तो होगा भाई, ठीक है एक ये भी देख लो नीचे वाला। तो और ये तो मैं आप लोगों को भेजी जो, अच्छा हाँ पहला वाला जो क्लियर नहीं था स्टार्टिंग में, वो इसमें एकदम क्लियर है देख लो, ठीक। सो होपफुली भाई लोग आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, है ना, अगर पसंद आई है तो लाइक मारो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग, हाँ वीडियो व्लॉग में, ठीक है तब तक के लिए बाय 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 बाय, ठीक है चलो लिख दिया, मैं भी जा रहा हूँ चाय पीने, मेरी चाय आ गई है, बाय खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।